नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों के आग्रह पर ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि आप लोग कह रहे थे सर टीजी पीजीटी के लिए कुछ अपडेट बताइए, कोई न्यूज आई हो रिजल्ट में। तो सच्चाई बता दूं आपको, कोई बिग अपडेट नहीं है और कोई बड़ी खुशी वाली न्यूज तो नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी हमने प्राप्त की है वो आपको शेयर करते हैं। चलिए बने रहिएगा इस पूरे वीडियो। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, अभी रिसेंट में एक न्यूज में बात आई थी कि जो नियमावली है इसकी, यानी नए आयोग की, उसको संशोधन के लिए न्याय विभाग को भेजा गया है कि कोई त्रुटियां हो उसे इधर कर दिया जाए और उनको संशोधित कर करके फिर इसे पुनः कैबिनेट से पास करा करके तब इस आयोग को एस्टेब्लिश करने की बात उसमें कही गई है। और उसके पश्चात उसमें यह भी लिखा है कि जब ये कैबिनेट से पास हो जाएगा उसके बाद उसमें अध्यक्ष व सदस्य व अन्य लोगों का भी चयन किया जाएगा, तब यह पूर्ण अस्तित्व में आ पाएगा। तो इससे मुझे यह लगता है कि अब आपका नए आयोग बनने में विलंब होने वाला है। और डेट की बात रही तो एग्जाम कब होगा यूपी टीजीटी पीजीटी का, यह तो अब आपको एक कंफर्म रूप से समझ लीजिए किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले संभव ही नहीं, अर्थात जून या जून के बाद ही एग्जाम जाने की संभावना रहेगी। 2024 की बात कर रहे हैं, जून 2024, इसके पहले एग्जाम आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी या हाई आर का किसी भी तरीके से पहले संभव नहीं है, क्योंकि अब आयोग बनने में थोड़ा लग रहा है कि विलंब की तरफ जा रहा है और सरकार भी बहुत रुचि पूर्वक काम नहीं कर रही है। इस पर अगर रुचि लेती है तो आयोग को अब तक एस्टेब्लिश हो जाता, जहां तक हम सभी लोग आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई आयोग जल्दी जल्दी बन जाए, अध्यक्ष और सदस्यों का चयन हो जाए और उसके पश्चात ये परीक्षा कराई जाए। और इतनी ही नहीं, अन्य भी परीक्षाएं, अन्य विज्ञापन टीजीटी पीजीटी के अतिरिक्त अन्य भी बहुत परीक्षाएं इनको देनी है, क्योंकि प्राइमरी से लगा करके अपर तक की नियुक्तियों का अधिकार इस आयोग को मिलने वाला है। अशासकीय में राजकीय का ये नहीं करवाएगा, राजकीय का लोक सेवा आयोग ही करवाएगा। तो वो दायित्व तो निभाने के लिए अभी आयोग ही नहीं बन पा रहा। वो आयोग बनने के लिए जो आयोग की नियमावली है बनने, वो संशोधन के लिए न्याय विभाग को भेजी गई है, न्याय विभाग उसे संशोधन करेगा, संशोधन करने के पश्चात कैबिनेट से पास होगा, तब कहीं ये संशोधित नियमावली आ पाएगी और उसके पश्चात अध्यक्ष व सदस्यों को सरकार को चयन करना होगा। और चयन करने का तरीका यही होता है कि एक विज्ञापन निकाला जाए विधिवत सदस्यों के लिए भी और अध्यक्ष के लिए भी आवेदन मांगे जाए, आवेदन के पश्चात स्क्रीनिंग की जाए और फिर उनका नियुक्ति और परिणाम हो उसके आधार पर उनको चयन के लिए लेटर भेजा जाए, फिर नियुक्ति कराई जाए। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, इतना आसान नहीं, जल्दबाजी में होता नहीं है। कुछ अधिकार विवेक अधिकार सरकार के होते हैं कि वो चाहे तो उनको जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से करा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी होता है, नियम से ही कुछ काम होते हैं, क्यों आयोग पहली बार बन रहा है तो इसमें नियम से ही कराएगी सरकार, इतनी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। जल्दबाजी में होती तो अब तक अध्यक्ष और सदस्यों का नियमावली सब कंप्लीट हो चुकी होती और सब कुछ चयन हो चुका होता और शायद आप एग्जाम की तिथियों के अनाउंसमेंट भी हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब हमको तो यही लगता है कि आयोग ही एस्टेब्लिश कब हो रहा है, एग्जैक्ट तिथि बताना उसे ही कठिन लग रहा है। एग्जाम की तो है ही नहीं, एग्जाम हमने बता दिया कि जून से पहले एग्जाम नहीं हो पाया, ये पहले से ही बता रहा हूं और इसके पहले संभव नहीं है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अगर कोई रिसेंट में नया एग्जाम आपका लगा हुआ है तो आप उस पर भी फोकस कर लीजिए, उसको थोड़ा देख लीजिए, उसी पर तैयार कीजिए, क्योंकि इसका हमको लग रहा है थोड़ा आगे जाने वाला लग रहा है काफी लंबे समय के। तो नया अगर कोई एग्जाम आपका है तो उस पर आप इसमें फोकस करिए। तो चलिए, कोई अगर अपडेट आएगी तो आपको जरूर अवगत करा देंगे, क्योंकि अपडेट नहीं थी इसलिए कोई वीडियो हम रिसेंट में जल्दी जल्दी लाते नहीं है। जब कोई अपडेट मिलती है हम वीडियो जरूर लाते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।